नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। एक दौर था जब सिनेमा की शुरुआत तक नहीं हुई थी, तब भी लोगों का मनोरंजन होता था, लेकिन तब जरिया था रंगमंच। आज जब हिंदी सिनेमा अपने चरम पर है, हर हफ्ते दर्जनों फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन अभी भी एक तबका ऐसा है जो थिएटर को पसंद करता है। आज विश्व रंगमंच दिवस है। नाटक की विद्या को जीवित रखने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए ही विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही ये दिन मनोरंजन के क्षेत्र में कलाकारों द्वारा निभाए गए महत्वपूर्ण रोल को दिखाने के लिए भी मनाया जाता है। यहाँ काम करने वाले कलाकारों का मानना है कि रंगमंच न सिर्फ मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये लोगों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से जगाने का भी साधन है। साल 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की स्थापना की थी। हर साल दुनिया भर में इस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समारोह होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश इस दिन का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इस मौके पर किसी एक देश के रंगकर्मी द्वारा विश्व रंगमंच दिवस के लिए आधिकारिक संदेश जारी किया जाता है। 1962 में फ्रांस की जीन कार्टे पहले अंतर्राष्ट्रीय संदेश देने वाले कलाकार थे। ऐसा माना जाता है कि पहला नाटक एक्रोपोलिस में स्थित थिएटर ऑफ डायनोसिस में आयोजित हुआ था। ये प्ले 5वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में माना जाता है। इसके बाद थिएटर इतना मशहूर हुआ कि पूरे ग्रीस में थिएटर बहुत तेजी से फैला। भारत में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि नाट्य कला का विकास सबसे पहले भारत में ही हुआ। ऋग्वेद के कतिपय सूत्रों में यम और यमी, पुरुरवा और उर्वशी आदि के कुछ संवाद हैं। इन संवादों में लोग नाटक के विकास का चिन्ह पाते हैं। अंदाजा लगाया जाता है कि इन्हीं संवादों से प्रेरणा ग्रहण कर लोगों ने नाटक की रचना की और नाट्य कला का विकास हुआ। रंगमंच एकमात्र ऐसा साधन है जिसने सभी शैक्षणिक संस्थानों में अपनी पैठ बना ली है। विकसित दुनिया ने भी रंगमंच की अहमियत को माना है, जिसके चलते रंगमंच ने वहां पर एक विशेष स्थिति हासिल की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।